शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर तीसरी बार अपना कब्जा बरकरार रखा है। हालांकि इस बार चुनाव में उसका प्रदर्शन पिछले दो चुनावों की तुलना में काफी खराब दिखा, जहां उसकी 8 सीटें घट गई हैं, वहीं उसके अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा भी चुनाव हार गए हैं। जी हां, मनजिंदर सिंह सिरसा को पंजाबी बाग वार्ड से शिरोमणि अकाली दल के महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने पराजित किया है। वहीं चुनावी रण में मिली हार के बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मनजिंदर सिंह सिरसा को कमेटी का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें अपना नामित सदस्य नियुक्त कर दिया है, जिससे उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।